रियलमी वॉच 3 आने वाली है बहुत ही जल्द, 2 अगस्त इसका लॉन्च डेट है। और जो प्राइस है ना यार, उसने बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा बहुत ही सही रखा है रियलमी वालों ने प्राइस, 2999, मतलब 2999। देखा जाए तो यार ये वॉच का प्राइस ज़्यादा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 3000 रुपये बहुत ही ज़्यादा ले लिए इस बार रियलमी वालों ने, इन्हें 2500 रुपये 2000 में देना चाहिए था, जैसे डीजो ने निकाला था, बोल्ट वालों ने निकाला था, बोल्ट ड्रिफ्ट करके बहुत ही बढ़िया वॉच थी वो भी, और उसका जो प्राइस है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है। लेकिन यार यहाँ पर क्या है ना बेसिकली कि एक तो रियलमी थोड़ा ज़्यादा बढ़िया ब्रांड है अगर हम कंपेयर करें बोल्ट से, क्योंकि रियलमी की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। और यार ये ऐसे नहीं है कि ये फीचर्स जो देते हैं वो नाम के होते हैं, वो काम के होते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिख रखा है रियलमी वालों ने कि AI ENC ब्लूटूथ कॉलिंग, तो यस इट विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे रियलमी वॉच 3 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं हम ब्लूटूथ कॉलिंग के ऊपर ही, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाईलाइट फीचर्स है, इसी के कारण बहुत सभी लोग रियलमी वॉच 3 को बाय करेंगे। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमें ENC का सपोर्ट तो मिलेगा ही। ENC बेसिकली काम कैसे करेगी कि जब आप कॉलिंग पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करेंगे और आप एक ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ी बहुत नॉइस हो रही है, ठीक है, पीछे की ओर, बाहर की ओर, या बाइक चल रही है या पंखे की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ी बहुत जो नॉइस होगी पंखे की वो कट हो जाएगी और आपकी जो वॉइस होगी जब आप कॉलिंग करेंगे तो सामने वाले के पास वॉइस बहुत ही ज़्यादा क्लियर जाएगी। तो इस तरह से ENC वर्क करता है। आपने इसे ज़रूर एक बार ब्लूटूथ कॉलिंग के नेकबैंड में यूज़ किया होगा, आपने देखा होगा। साथ ही साथ यहाँ ब्लूटूथ कॉलिंग में डायल पैड का फीचर्स मिल जाता है, कॉन्टैक्ट्स का फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन तो किया है कि डुअल मोड ब्लूटूथ चिप है, आई डोंट नो ये वर्क कितना अच्छा करेगी, हाई परफॉर्मेंस स्पीकर और हाई सेंसिटिविटी माइक्रोफोन। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पक्की है कि आपको कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है रियलमी वॉच 3 को लेकर के। साथ ही साथ जो इसकी डिस्प्ले है ना वो रियलमी वॉच 2 से, जो रियलमी वॉच 2 है उससे 35% बड़ी है, तो 35% बिगर डिस्प्ले मिल जाती है। इसका जो साइज है वो 1.8 है। और साथ ही साथ ये बोल लूँ कि ये कर्व ग्लास है तो आपको जो लुक है कोई मतलब बढ़िया लगने वाला है लुक, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व डिस्प्ले होती है ना उसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है HD डिस्प्ले मिल जाती है, ये कोई मतलब AMOLED डिस्प्ले वगैरह नहीं है इस बार। और मतलब यार 3000 रुपये में हम हर चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते किसी कंपनी से, उन्हें भी अपने जेब से पैसे लगाने होते हैं, उन्हें भी कुछ प्रॉफिट बचाना होता है। साथ ही साथ एक और चीज़ दोस्तों कि यहाँ पर जो स्टाइल है वो बहुत ही बढ़िया है रियलमी का। वैसे भी जितनी भी वॉच आप खरीदो तो आपको स्टाइलिश में लुक वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दिखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो भी अभी बताई नहीं गई है, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया है। अगर रियलमी की तरफ से है तो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, यानी और ये स्पोर्ट्स मोड ऐसे नहीं होते कि कुछ भी लगा दिया, अच्छे स्पोर्ट्स मोड होंगे। इनकी जो UI के ऊपर काम होती है बहुत ही बढ़िया की हुई होती है, और आपको रियलमी के ऐप में बहुत ही अच्छे से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ 100+ वॉच फेसेस है, जो कि आपको हर किसी वॉच में देखने को मिल जाएगा इजीली। 7 दिन की बैटरी लाइफ है। एक चीज़ पक्की बात है दोस्तों कि 7 डेज की बैटरी लाइफ लिखी है, लेकिन चलती वही है 1 या 2 दिन। ऐसा मैंने पिछली बार एक वीडियो में बोला था तो मेरे किसी ने कमेंट करा था कि सर आप 7 बोल लो या 10 बोल लो, चलती वो 1 या 2 दिन ही है। तो दोस्तों अगर आप भी थोड़े बैटरी लाइफ को बढ़ाना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। सेंसर वगैरह ऑफ करने हैं बेसिकली आपको, और ब्लूटूथ कॉलिंग को बंद करना है तो आपकी भी 5-6 दिन चल जाएगी। वाटर रेजिस्टेंसी की बात कर ले तो IP68 का सपोर्ट है, यहाँ 5 ATM नहीं देखने को मिला है, थोड़ी सी निराशा है, शायद से 5 ATM दे देते, बट यार ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच में अक्सर हमें IP68 की देखने को मिल जाती है। और इतने बार मतलब यार इस वॉच को यूज़ किया जाता है, देख लो आप खुद ही, तो ऐसे नहीं है कि कुछ भी आपको पकड़ा दिया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग के बाद रियलमी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करता है। और देखो 2 कलर दिख रहे हैं अभी यहाँ पर, ये थोड़ा वाइट और सिल्वर, यू कैन से दैट, मतलब आप कुछ भी कह लो, यहाँ ब्लैक टाइप में है, तो भाई मेरा तो पर्सनल फेवरेट ब्लैक है। आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ दोस्तों ये 3000 रुपये के प्राइस में रखी गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव वन है या ये प्राइस बिल्कुल जस्टिफाई करता है इसके फीचर्स को लेकर के। तो क्या आप दोस्तों इसको बाय करेंगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।